आज इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वायरस अपना जो जीवन है वो किस सतह पर सबसे अधिक और सबसे कम व्यतीत करता है। हम देखते हैं कि सबसे कम जीवन उसका एयर में है और वो भी 3 घंटे, और सबसे ज्यादा समय उसका जो है पीरियड वो प्लास्टिक पर है, लगभग कोई 3 दिन। कॉपर की सतह पर वो सबसे कम रहता है, और इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि कॉपर जो है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों को किल करता है। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस प्रकार से किल करेगा। देखिए, सबसे पहले हमें कॉपर की जो बैक्टीरिया है वो इस प्रकार से एक सेल है। ये सेल के अंदर डीएनए, आरएनए और इसका पूरा जो सेल मटेरियल है वो रहता है, और कॉपर जो है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है, कॉपर एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है तो एयर और कॉपर आपस में कांटेक्ट में आकर बनाते हैं क्यूप्रिक बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यानी कि हमारे सॉल्यूशन में, पानी में सॉल्यूशन के अंदर क्यूप्रिक आयन आ जाता है। ये जो कॉपर का आयन है, ये कॉपर आयन इस सेल वॉल को डैमेज करता है। ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है और ये सेल वॉल को डैमेज करेगा, और थोड़ी ही देर बाद सेल डैमेज हो जाती है, और जैसे ही सेल डैमेज होती है तो उस डैमेज सेल के अंदर ये क्यूप्रिक आयन एंटर करता है, और अंदर जाकर सबसे पहला काम है कि यहां जो डीएनए या आरएनए है, तो इस डीएनए या आरएनए जो कि न्यूक्लिक मटेरियल है इसको डिस्ट्रॉय करता है, और इसको डिस्ट्रॉय करने से जो आपका सेल है, वायरस सेल या बैक्टीरिया सेल, ये मल्टीप्लाई होने से रुक जाती है और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इस प्रकार से, और इसीलिए हमें अक्सर कहा जाता है कि कॉपर के बर्तन में ही पानी पीना चाहिए। तो ये कॉपर इस तरीके से, कॉपर की सरफेस पर इसका जो असर है वो ये है, और ये असर तब होगा जब नमी वायु में होगी। यदि वायु में नमी नहीं है तो कॉपर भी इस वायरस मेटल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। थैंक यू।